पहलवान और राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर नैना कैनवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला क्या आपको बताते हैं, शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने अपहरण के एक मामले में हरियाणा के रोहतक में दबिश दी। अब रोहतक के सनसिटी हाइट के एक फ्लैट में किराए पर रह रही राजस्थान पुलिस के SI को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। हरियाणा केसरी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी हैं नैना, इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अब मामला दर्ज हो गया है। दिल्ली पुलिस ने अपहरण के मामले में वांछित बोहर निवासी सुमित नांदल की तलाश में नैना के फ्लैट में दबिश दी। नैना ने पुलिस को देखकर फ्लैट की खिड़की से 2 पिस्तौल नीचे फेंक दिए। अब पुलिस को सुमित नांदल तो नहीं मिला, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर नैना को हिरासत में जरूर ले लिया गया है। तो रोहतक में ये कार्रवाई हुई है, पहलवान नैना कैनवाल। दरअसल ये राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। हरियाणा केसरी अंतर्राष्ट्रीय रेसलर के तौर पर जानी जाती हैं, प्रोफेशनल रेसलर हैं, हरियाणा केसरी जीत चुकी हैं। अब ऐसे में किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं, SI हैं राजस्थान में, और इनके यहाँ पर रोहतक में जो उनका आवास है वहाँ पर जब दबिश दी गई तो हथियार वगैरह ये फेंकती नजर आई। अब ऐसे में आर्म्स एक्ट के तहत इनको मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई अब आगे हो रही है इनके ऊपर। आर्म्स एक्ट में इनको गिरफ्तार किया गया। इनफैक्ट जानी मानी पहलवान है नैना कैनवाल जिनका नाम है। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर कार्यरत हैं और इनकी जो है गिरफ्तारी हो गई है हरियाणा से। आर्म्स एक्ट में इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब देखा तो पिस्टल जो अवैध थी उसको वहां पर नैना ने फेंक दिया अपने घर से ही, लेकिन पुलिस ने अवैध हथियार रखने के इल्जाम में इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो मामला इनके ऊपर दर्ज हुआ उसकी कॉपी भी, उसके प्रतिलिपि भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और राज टाकिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ रोहतक से फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। राज, क्या था ये पूरा मामला, किस तरीके से नैना कैनवाल गिरफ्तार हुई, बताएं पूरी कहानी। जी, रोहतक में नैना कैनल जो है वो गिरफ्तार हुई है और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जी। ये एक्चुअली दिल्ली पुलिस जो है वो सुमित नांदल नाम के क्रिमिनल को पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुंची थी और सुमित नांदल के साथ इसके जो है कनेक्शन बताए जा रहे थे। जब पुलिस मौके पर इनके फ्लैट में पहुंची तो इसके पास से 2 पिस्तौल अवैध पिस्तौल पाए गए हैं और शस्त्र अधिनियम के तहत आर्म्स एक्ट के साथ इसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल जो इसको रोहतक की सुनारिया जेल में रखा गया है जी। तो राज, ये जो गिरफ्तारी हुई तो जाहिर तौर पर ये मौजूदा वक्त में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी हैं, तो अब ऐसे में ये जो कार्रवाई हुई जाहिर तौर पर इनके बारे में पहले से शिकायतें मिली होंगी, तभी जाकर ये पूरी दबिश यहाँ पर दी गई थी। क्या पहले भी इस तरीके के मामलों में कभी इनका नाम आया? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था तो राजस्थान पुलिस को भी इत्तला की गई थी और इसके ऊपर पहले से भी जांच चल रही थी। ये हरियाणा के कई अपराधी के लोग हैं उनके साथ इनका ताल्लुक रहा है, क्योंकि ये भी खुद भी एक हरियाणा से है और पहलवान रही है। तो ऐसे में राजस्थान और हरियाणा के जो पहलवानों की अगर बात की जाए तो ज्यादातर पहलवान जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में जुड़े रहे हैं। अब इस एक की बात कर ली जाए तो हालांकि जिस पद पे ये है उस पद पे कानून की रक्षा की पूरी जिम्मेवारी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की इसके ऊपर पूरी जिम्मेवारी होती है, लेकिन जब ऐसे ही लोग जो है वो कानून का अवहेलना करेंगे तो ऐसे में सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर कानून को मानेगा कौन। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए इसको रोहतक में गिरफ्तार कर लिया जी। राज, जैसा इसके बारे में कोई जानकारी है क्या, ये राजस्थान में तैनात कहाँ पे हैं बतौर SI, बतौर सब इंस्पेक्टर? जी देखिए, अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो अभी ये बताया जा रहा है कि ये राजस्थान के एक जो जिला है उसमें यहाँ पर तैनात थी, लेकिन अभी जो कंफर्म रिपोर्ट जो है अभी पुलिस गहनता से जांच जरूर कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये किन किन मामलों में संलिप्त है जी। ठीक है राज, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो राज टाकिया हमारे सहयोगी रोहतक से फोन लाइन पर कनेक्ट थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से नैना के आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी हुई है। अगली खबर टोंक के निवाई से है। यहां गौ सेवकों ने